हाय फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं फिग यानी कि अंजीर से होने वाले फ़ायदों के बारे में। क्यों बात करने वाले हैं? क्योंकि कह के गए हैं बाबा रंजीत, पहनिए चाहे ना पहनिए जंजीर, पर रोज़ खाइए अंजीर। तो सॉरी गाइस, थोड़ा सा मेरे अंदर ना एक बैड शायर छिपा हुआ है, वो कभी कभी बाहर आ जाता है। तो जस्ट जोकिंग, आज हम बात करने वाले हैं अंजीर से होने वाले बेनिफिट्स। और कितने बेनिफिट्स? 21 बेनिफिट्स की आज बात करेंगे। वैसे और भी होंगे लेकिन ये मेन बेनिफिट्स हैं, तो मैंने सोचा बता दूं। और इसके अलावा इसके पीछे का जो साइंटिफिक रीज़न है कि हमें अंजीर क्यों खानी चाहिए, वो भी जान लेना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि बादाम से महंगी अंजीर है, तो अगर हमें प्रॉपर बेनिफिट्स ना पता हो तो बात नहीं बनेगी। तो आज इस वीडियो में जैसे जैसे मैं इसके बेनिफिट्स बताता जाऊँगा, साथ साथ इसके साइंटिफिक रीज़न प्लस इसको खाने का तरीका क्या होना चाहिए वो साथ साथ बताएंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं हार्ट से। जो फिग है, जो आपकी अंजीर है, वो हार्ट के लिए बहुत अच्छी है क्योंकि फिग इज़ रिच इन पोटेशियम एंड लो इन सोडियम। सो ये कॉम्बिनेशन है जो मिनरल का, वो आपके लिए हार्ट के लिए, जैसे आपको कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर है तो उसमें ये बहुत अच्छा रहेगा। ट्राइग्लिसराइड्स है, उसको कम करेगा, आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा। तो खाने का इसका तरीका क्या है, इसमें आप रात को सोने से पहले पानी में भिगो के रखें और सुबह उठते ही इसको खा लें। और इसका पानी आपको नहीं पीना अगर आप हार्ट के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं तो। नेक्स्ट इज़ कोलिक यानी कि स्टमक पेन। जैसे बच्चों को स्टमक पेन रहता है या जो गर्ल्स हैं उनको पीरियड्स आते हैं, उनको पेट में थोड़ा दर्द रहता है तो क्रैम्प्स पड़ते हैं, उसके लिए भी ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो नेक्स्ट इज़ लॉस ऑफ एपिटाइट, अगर आपको भूख कम लग रही है उसमें भी ये अच्छा है। इसके अलावा इनडाइजेशन, आपको अगर इनडाइजेशन है, डायरिया है और कॉन्स्टिपेशन है, इसमें भी ये बहुत अच्छा है। अब इसका रीज़न बताते हैं, क्योंकि ये इसमें है नेचुरल शुगर, पोटेशियम कैल्शियम के अलावा इसका जो फाइबर है जाता है उसमें प्रीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ है जो आपके पेट के लिए बहुत अच्छी हैं। और मेथड वही, पानी में रात को भिगो के रखें और सुबह उठ के इसको ले लें। अगर पेट की बीमारियों के लिए खा रहे हैं तो आप इसका पानी भी पी सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, जो लोग कॉन्स्टिपेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं उनको इसको दूध में लेना है। दूध में रात को सोने से पहले दूध को अच्छे से बॉयल करके इसमें आप लीजिए, आपको सुबह बहुत अच्छा फील होगा। और यही नहीं, ये आपके कफ, सोर थ्रोट, ब्रोंकियल प्रॉब्लम यानी कि जो सांस लेने में दिक्कत आती है जैसे अस्थमा हो गया, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आपको बलगम की प्रॉब्लम है उसके लिए भी बहुत अच्छा है। आपके लंग्स को क्लीन करता है, आपकी पाइल्स की प्रॉब्लम के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें जो पाए जाने वाले विटामिन है वो है विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन सी। और इसके अंदर जो डाइट्री फाइबर पाया जाता है वो आपके लंग्स को क्लीन करता है, अगर आपके लंग्स में बलगम है उसको क्लीन करता है, जिससे आप सांस खुल के ले सकते हैं। अच्छा, अभी इसको लेना कैसे है? जो कफ के लिए ले रहे हैं, ब्रोंकियल प्रॉब्लम के लिए ले रहे हैं, सोर थ्रोट के लिए ले रहे हैं, बलगम की प्रॉब्लम के लिए ले रहे हैं, वो लोगों ने रात को सोने से पहले वैसे ही आप भिगो के रखें और सुबह उठ के खा लें, लेकिन इसका पानी आपको नहीं पीना। आगे बात करते हैं वेट लॉस। जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं ये उसमें भी बहुत कारगर है, क्योंकि ये हाई इन फाइबर एंड लो इन कैलोरीज, और साथ में आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। जब आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा तो आपका वेट रिड्यूस होने में मदद होगी। तो नेक्स्ट इज़ आपकी स्किन की हेल्थ के लिए ये बहुत कारगर है, लेकिन खाने से नहीं बल्कि लगाने से। अगर आप इसकी पेस्ट बना के लगाएंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। इसका कारण, क्योंकि इट हेल्प्स टू बैलेंस इन सीबम प्रोडक्शन। इन लोगों के चेहरे पे स्टिकी सब्सटेंस आ जाता है, स्टिकी ऑयल सब्सटेंस आ जाता है, तो वो नहीं आएगा। इसके अलावा ये स्किन मेलानिन प्रॉब्लम, जैसे कि इसको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम आ जाती है या चेहरे के ऊपर धब्बे आ जाते हैं, काले काले पिगमेंटेशन, तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसका लेप लगा के अपने चेहरे पे एज ए मास्क अप्लाई करेंगे तो रिंकल से भी बचे रहेंगे। तो नेक्स्ट इज़ ये आपके ब्लड प्रेशर को लो रखने में आपकी मदद करता है। कैसे? क्योंकि इट्स अ गुड सोर्स ऑफ पोटेशियम डेट helps to maintain and relax your blood vessels. It also prevents from cancer. कारण, क्योंकि इसमें साइटोटॉक्सिक कंपाउंड होता है जो आपको कैंसर से बचाता है। तो जो लोग लो ब्लड प्रेशर के लिए खा रहे हैं उनको कैसे खाना है? रात को सोने से पहले भिगो के रखना, सेम ऐसे ही सुबह उठ के उसको खा लेना। अगर आप कैंसर के लिए इसको खा रहे हैं तो आपको रात को सोने से पहले इसको भिगो के रखें, सुबह खाएं, लेकिन साथ में पानी भी ज़रूर पी लीजिए, क्योंकि इसके पानी में भी काफ़ी हेल्दी कंपाउंड रह जाते हैं जो कि आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। नेक्स्ट इज़ इट आल्सो स्ट्रेंथन योर बोन्स, आपकी हड्डियों को मजबूत रखने में ये आपकी मदद करता है। कैसे? क्योंकि इसमें कैल्शियम और पोटेशियम की मात्रा भरपूर होती है, और जो लेडीज़ प्रेग्नेंट है अगर वो प्रेगनेंसी में इसको खाएं, आने वाले बच्चे की हड्डियों के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो जो लोग बोन्स के लिए खाना चाहते हैं वो लोग कैसे मर्जी खा सकते हैं, चाहे दूध में लें, चाहे भिगो के लें, या चाहे उसका पानी भी पी लें, या उसको ड्राइड फॉर्म में भी ले सकते हैं। तो नेक्स्ट इज़ आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, आपके लीवर को प्रोटेक्ट करता है। कैसे? कि इसके एंटीऑक्सीडेंट्स आपके फ्री रेडिकल से लड़ते हैं और आपके लीवर को होने वाले नुकसान से बचाते हैं। सो नेक्स्ट इज़ अनीमिया, जिन लोगों के रेड ब्लड सेल्स कम बनते हैं, खून कम बनता है, उनके लिए ये बहुत कारगर है। खाने का तरीका, वो दूध में भिगो के ले सकते हैं, पानी में डिप करके ले सकते हैं, कैसे भी खा सकते हैं। नेक्स्ट इज़ ये आपकी सेक्स लाइफ के लिए भी बहुत कारगर है। कारण, फिग्स आर एक्सीलेंट सोर्स ऑफ अमीनो एसिड्स दैट इंक्रीज लिबिडो। तो ये क्या करता है, जो आपकी सेक्सुअल डिज़ायर है उसको भी उत्तेजित करता है, क्योंकि
इट इज़ रिच इन विटामिन B6, विटामिन ए एंड मिनरल्स लाइक पोटेशियम, कॉपर, मैग्नीशियम एट ऑल टूगेदर बूस्ट योर सीमन प्रोडक्शन। तो सीमन प्रोडक्शन बढ़ेगा तो सेक्सुअल डिजायर बढ़ेगी। तो इसको खाने का तरीका क्या है, रात को दूध में डाल के आप इसको बॉयल करें अच्छे से, जब पूरा फुल ग्लास दूध का आधा रह जाए उसके साथ लीजिए तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। दोस्तों ये था फिक को यानी कि अंजीर को खाने के महत्वपूर्ण तरीके। एंड में मैं आपको एक और टिप देना चाहता हूँ, अगर आप इसका सेवन गर्मियों में कर रहे हैं या वेट लॉस के लिए कर रहे हैं तो इसको पानी में भिगो के लें, क्योंकि इसकी तासीर जो होती है वो गर्म होती है। तो गर्मियों में इसको पानी में भिगो के लें, और इसमें कैलरीज ज़्यादा होती हैं। अगर वेट लॉस के लिए ले रहे हैं तो इसको पानी में डिप करके लें और इसका पानी को मत पिएं। और अगर कॉन्स्टिपेशन के लिए ले रहे हैं तो इसको दूध में लीजिए, और लेने का समय रात का बेस्ट रहेगा ताकि सुबह जब आप उठें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ भी कीजिए। तो मैं मिलूंगा जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।